नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं विचारों पर आयाम। विचारों का आयाम जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितनी सारी चीज़ें आपके जीवन में हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे विचारों का परिणाम है। हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सोचते हैं और जो कुछ भावनात्मक प्रक्रियाएं हमारे अंदर होती है, वही एक्शन के रूप में बाहर निकलता है। हमारे जीवन में विचार का आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कौन से विचार आपके जीवन में आ रहे हैं, आप किसको बढ़ावा दे रहे हैं, कौन सी बातों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान देना है विचार करते समय कि निगेटिव थॉट्स नहीं आ जाए। आपके हवा में पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी बातों में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आप जो सांस ले रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आपको पॉजिटिविटी का ध्यान रखना है और जितना पॉजिटिविटी का ध्यान देंगे आपका जीवन उतना सकारात्मक होता जाएगा। हो सकता है कहीं कहीं कुछ निगेटिव ही हो जाए, लेकिन निगेटिव होना केवल पॉजिटिव का एक आपको सिग्नल देता है, और बस ये थे आज के विचारों पर आयाम। विचारों पर